गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। फ्रेंड दिव्या हम सब आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली सारी तैयारी हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं बप्पा को लेने। चलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गाइस घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और फाइनली हम निकल चुके हैं बप्पा को लेने के लिए। तो मैंने सामने से ही गणपति बुक किए थे, मतलब हमारी बिल्डिंग के सामने ही यहाँ पर है, तो मैंने वहाँ से बुक किए थे। और हम सब जा रहे हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मतलब मौसम बहुत सुहाना है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये है मोक्ष वीडियो बना रहा है। तो मैंने भैया को पावती दिखाई और भैया बापा को लेके आ गए। तो यहाँ पर पहले हमने रुमाल बांधा चेहरे पे और उसके बाद में, एक्चुअली यहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट डे है, सब लोग गणपति लेने आ रहे थे। तो यहाँ पर अभी हमने पूजा उजा करके हम लोग लेके गए थे और भैया इतने बिजी थे ना और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ब्रश लेके ना खुद ही यहाँ पर फिनिशिंग देना चालू कर दिया है। मीन्स पैक रखे थे वैसे तो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना, तो हम लोग ऐसे साफ़ सुथरा करके घर में लेके आए थे क्योंकि वो सबको साफ करके देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर रेडी है हमारी मूर्ति। गणपति की जय जयकार, गणपति हमारे साथ। पापा आ चुके हैं घर में और विराजमान कर दिया है हमने उनको। तो यहाँ पर है ना हमारे नीचे फ्लोर पर आंटी रहते हैं, वो आए थे दर्शन के लिए। ये है मोहित, ये है अंश, वंश दोनों जुड़वा है जैसे कि मैंने बताया था। और ये आंटी है, मैंने गणपति जी की स्थापना कर दी है और ये है फाइनल लुक। हमने सिंपल इसी तरह इस बार सजाया है। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, बप्पा विराजमान हो चुके हैं और हम सब भी आ गए हैं आरती के लिए। हाय। तो यहाँ पर कराटे स्टूडेंट्स, मेरी फ्रेंड दिव्या, हम सब आ चुके हैं और चलिए करते हैं बप्पा की आरती।
फाइनली यहाँ पर बप्पा की आरती स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने ना पंडित जी को नहीं बुलाया, एक्चुअली पंडित जी ने मुझे सारी सामग्री लिख के दी थी, तो मैंने स्थापना मंत्र लगाकर मूर्ति को स्थापित किया और पूरे विधि विधान से पूजा की सारी सामग्री के साथ। तो उसके बाद बस यहाँ पर आरती कर रहे हैं हम लोग। आ जाइए आप लोग भी आरती लेने के लिए। पहले ही चढ़ा दिया था और प्रसाद भी बना के चढ़ा दिया था। तो प्रसाद में मैंने आज हलवा बनाया था और भोग में मैंने आज भिंडी की सब्जी बनाई थी। Many hours later. हरी घंटा। अंश 40 सेकंड तक ऐसे पानी पकड़ेगा तो उसको खाना मिलेगा। एक के बाद। ओए निकल रे निकल रे। देखा हुआ थे। तूने छोड़ दिया, जा नहीं मिलेगा तेरे को आज। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ बप्पा के लिए भोग, मतलब डिनर बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले बप्पा को भोग लगेगा, उसके बाद में खाएंगे हम सब खाना आरती होने के बाद में। तो बस सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल राइस सब्जी रोटी। गाइस सुबह से हो चुकी है शाम और बप्पा विराजमान है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आया है अतुल भी आया है, मतलब ये सब हमारे कराटे स्टूडेंट्स बैठे हैं मॉर्निंग से ही और हम सब यहाँ पर बैठे हैं। तो बस अभी हम करने जा रहे हैं फिर से एक बार शाम की आरती। तो आ जाइए आरती में। A few moments later. आज आरती हो चुकी है अच्छे से और आज ना मन इतना प्रसन्न है, बहुत अच्छा लग रहा है। बप्पा आए हैं और बच्चे भी हैं यहाँ पर। और मैं मतलब कल से ही ये वीडियो चालू है तो वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, हमारे बप्पा कैसे लगे, किसी की नज़र ना लगे, तो इसीलिए मैं आप लोग भी आ जाइए, मतलब मैं इन्वाइट कर रही हूँ आशीर्वाद लेने। तो बापा तो सभी के हैं और तो ये लोग ना इतना कॉमेडी चालू है कल से, बहुत हंसा रहे हैं। और मेरी मेहंदी कैसी लगी वो बताना, दिखा मैं मेरी मेहंदी दिखाऊं। तो गाइस देखिए मेरी मेहंदी का कलर और डिजाइन और ये है पूर्वी की मेहंदी, उसका भी कलर अच्छा आया है।
हाँ तो गाइस चलिए वीडियो का एंड अभी कर रही हूँ मैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, जरूर बताना। कैसा लगा वो भी हाँ। तो चलिए आप सभी के ऊपर बप्पा का आशीर्वाद बना रहे मैं यही कामना करती हूँ। तो चलिए आ जाओ ना, ये देखो ये बहुत शर्मीले हैं। गणपति बप्पा वर्षी मंगल मूर्ति। तो चलिए गाइस बाय 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 करो बाय। और मेरे बप्पा के लिए ढेर सारे लाइक करना बाय।